पीछे कौन है जी, क्या कर रही है? रास्ते में मुझे एक ये कार्ड मिला है, डेबिट कार्ड मिला है बोरिंग रोड में, ठीक है, दिख रहा होगा ओप्पो का है, 2000 के आसपास में। सचिन भैया आप बहुत बिजी लग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आज इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे तो स्क्रॉल करते करते एक नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन नहीं, मतलब जो है ना ऐसे ही, मतलब था एक पोस्टर था, एक पोस्ट था, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था ऑडिशन के बारे में। तो एक तो ऑडिशन हम दिए थे कुछ दिन पहले, उसका रिजल्ट बोला है कि इसी वीक में आने वाला है, और एक और ऑडिशन होने वाला है कल। तो सोच रहे हैं कि वो भी ऑडिशन जाके दें। अब देखिए, अब कल जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऑडिशन जाके ज़रूर दें, है कि नहीं। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही सलामत होंगे, मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। और फिर चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है, कुछ खास होने वाला है कि नहीं। क्या सचिन भैया आप बहुत बिजी लग रहे हैं। अरे अभी डिस्टर्ब मत करो। क्या बोल रहे हैं? अभी डिस्टर्ब मत करो। क्या बोले? डिस्टर्ब मत करो, काहे हो? अरे एग्जाम है यार, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। एग्जाम है? कौन सी का एग्जाम है? हाँ साइमिन का एग्जाम है। हाँ साइमिन का एग्जाम है। तो एग्जाम है तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए अपने रूम में। दिखाइए तो क्या स्टडी कर रहे हैं? तुम सब कुछ दिखाना जरूरी नहीं है। दिखाइए था, जरूरी नहीं है सब कुछ है, जरूरी नहीं है सब कुछ दिखाना। नहीं, नहीं बताइए, एग्जाम रहता अगर ही रहते सीरियस रहते तो ये अपने रूम पे ना रहते हैं, रूम पे पढ़ाई लिखाई करते। नहीं नहीं देखिए वो बात गलत है, अभी आप क्या बोल रहे हैं कि इसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं पढ़ाई? दिखाई था, डिस्टर्ब कर रहे हो। ये क्या है, पढ़ाई हो रहा है? अभी इंतजार कर रहा है कि नया फोन आ रहा है। क्या चीज? नया फोन आ रहा है, इसलिए इसका वेट कर रहा है। अच्छा नया फोन आ रहा है, ठीक है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। देखिए एगो यह है, एगो लड़का बैठल है, क्या कर रहा है दोस्त, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हम पढ़ रहे हैं दोस्त। अच्छा तू पढ़िए रहा है, समझ रहे हैं तू सब कितना पढ़ रहा है। ये जो है ना पटना छोड़ के जाने वाला है सीतामढ़ी, सही में दोस्त? हाँ, सही जा रहे हैं। ईमान रहा के दोस्त, यूपीएससी का तैयारी नहीं हो पाएगा, जा रहे हैं अब अपने यहाँ रहेंगे, सीतामढ़ी में रहेंगे। सही बात बोल रहा है दोस्त, सही में पटना में रह के यूपीएससी का तैयारी नहीं हो सकता। पूरा बाल झड़ गया रे मेरा। ना ना छोड़ दो, छोड़ दो पटना, चलो चलो सीतामढ़ी हम भी चलते हैं। ऐसे लग रहा है, लग रहा है कि आज मेरा पटना में आखिरी चाय है, आज लग रहा है कि लास्ट बार चाय पी रहे हैं पटना का आज, क्योंकि अब बहुत जल्द अब पटना छोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर एक दो महीना भी और रह गए तो पूरा गंजा हो जाएंगे, पूरा टकला हो जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा, बहुत मजबूरी है। देखिए बाहर में जो है ना रील्स बनाने में बहुत दिक्कत होता था, ठीक है, क्योंकि सॉन्ग प्ले कर दिए, गाना प्ले कर दिए, लेकिन कान तक आवाज़ नहीं आता था, तो इसीलिए बहुत दिन से सोच रहे थे कि ईयरबड्स ले, तो आज फाइनली जाके ईयरबड्स ले लिए हैं। ये देखिए दिख रहा होगा ओप्पो का है, 2000 के आसपास में पड़ गया है, आवाज़ भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब जाके रील्स बनाने में थोड़ा बहुत आसानी हो गया है, और अब जाके रील्स बनाने में मज़ा आएगा। पीछे कौन है जी, क्या कर रही है ये सब, क्या कर रही है रे? या छोड़िए कुछ भी कर रही है, उससे क्या मतलब है हमको, है कि ना? जा रहे हैं हम भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अपना काम में बिजी है, हम भी जा रहे हैं अपना काम करने। आज सोचे थे कि आज हाई कोर्ट के पास में जाके रील्स बनाएंगे, उनको लगा था कि वहाँ पर लाइट वगैरह होगा, लेकिन जब वहाँ पर गए थे ना कोई लाइट ना कोई, मतलब लाइट ही नहीं था, तो वहाँ पर फिर कैसे रील्स बनाते। तो फिलहाल अभी आ गए हुए हैं हड़ताली मोड़ के पास, तो सोच रहे हैं कि यहीं पर रील्स बना लेते हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना था कि आज रास्ते में मुझे एक ये कार्ड मिला है, डेबिट कार्ड मिला है बोरिंग रोड में, ठीक है, मेट्रो करके एक दुकान है उसी के आसपास में मुझे मिला है कार्ड। तो आप लोग में से जिस किसी का भी हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।